लेकर आपका रुख रवैया क्या है? जी बिल्कुल ठीक हूँ मैं, थैंक यू सो मच। एंड मार्केट को लेके जो मेरा रीडिंग रहेगा उसमें ये है कि कल हमने बात करा था, आपको ध्यान होगा कि निफ्टी में एक होप है जो 17,350 और 300 के बीच में अगर सपोर्ट ले लिया तो वो लोअर एंड ऑफ द बाउंड्री तक शायद ना जाए, शायद। तो ये आज इसने इसी लेवल पे 350 के आजू बाजू कंसोलिडेट करा है पूरे दिन। अच्छी बात क्या है, ये है कि SGX जितना सुबह गैप डाउन दिखा रहा था उतना गैप डाउन ना खुले, और जो ओपनिंग लो था उसको हमने दिन भर के अप्स एंड डाउन्स के बीच में प्रोटेक्ट कर लिया। तो अब कल के दिन के लिए मेरा ये रीडिंग रहेगा कि कल के दिन में अगर निफ्टी के फ्यूचर्स 17,380 के ऊपर जाएंगे तो हम लॉन्ग कर सकते हैं, और 280 के नीचे जाएंगे तो हम शॉर्ट कर सकते हैं। तो 280 और 380 के नंबर्स को ध्यान में रखेंगे निफ्टी के फ्यूचर्स। 17,380 यानी यहां से 50 अंक ऊपर अगर निफ्टी जाता है तो आप लॉन्ग साइड पे जाएंगे 17,380 के ऊपर जाने पर, और 17,280 यानी यहां से करीब करीब 50 अंक नीचे अगर निफ्टी जाता है तो वहां आप शॉर्ट जाएंगे। तो दोनों लेवल को आप ध्यान रखेंगे, उसके हिसाब से आप कॉल लेंगे। रचना जी, निफ्टी बैंक थोड़ा स्ट्रांग था, वहां पर इतनी ज्यादा प्रेशर नहीं था, वहां क्या करें? निफ्टी बैंक में डेफिनेटली थोड़ी स्ट्रेंथ है और ये मानना पड़ेगा, और निफ्टी बैंक के फ्यूचर्स जब तक 36,600 के ऊपर बने रहेंगे तब तक ये पॉजिटिविटी में फर्दर बिल्डअप होने के चांसेस है। और कल आपको याद होगा हमने बात करी थी कि जैसा परसों एक्सिस बैंक ने किया था शायद आज ICICI दिखा सकता है, तो थोड़ा बहुत आज ICICI ने स्ट्रेंथ दिखाई थी, एक ट्रेडेबल अपस्विंग तो दिया ही इफ नथिंग एल्स। और कल के दिन में और आगे जाते हुए शायद ये ICICI बैंक अगेन फर्दर इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है, क्योंकि ICICI बैंक का चार्ट स्पेसिफिकली बहुत अच्छा है, और ये काउंटर जब तक 750 के ऊपर बना रहेगा तो इसमें ये पॉजिटिविटी ऊपर वाली साइड फर्दर इसको 770 की तरफ लेके जा सकती है, 70-75 ऑल्सो। तो इसीलिए बैंक निफ्टी में भी उम्मीद रखनी चाहिए, जब तक 36,600 बरकरार है तब तक हम डिप स्टे बाय कर सकते हैं। दो तीन दिन की गिरावट आई है तो और कुछ ना सही एक अपस्विंग के लिए ही प्ले करा जा सकता है, यू नेवर नो, इट कैन आउटपरफॉर्म द निफ्टी। 36,600 इस लेवल को ध्यान रखें, अगर इसके ऊपर बना रहेगा तो आप डिप्स में खरीदारी करेंगे और तेजी की तरफ निफ्टी बैंक को आप देख सकते हैं। 36,893 36,900 के स्तरों पर अभी निफ्टी कामकाज कर रहा है, गिरावट में खरीदारी करें ज्यादा बेहतर है, 36,600 का स्टॉप लॉस लेंगे।